ये मेरा गुलू रोहन बेटे को पाला बेटे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला मेरे देखने वालों की हाजात ज़रूरियात और दुआएं पूरी फरमाए। इसी दुआ के साथ आज के मुलाका करते हैं आगाज़। आज चूँकि यकम जून है तो काफ़ी ज़्यादा काम था, दफ्तर में क्लोजिंग थी, सारा दिन बिल्कुल फरागत नहीं मिली। अभी पहुंचा हूं घर तो शाम की बाजमात नमाज भी हो चुकी है। अभी जानमाज नीचे डाली है, अभी पढ़ता हूँ शाम की नमाज। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली है। क्योंकि मैं दोपहर को खाना नहीं खाता, लंच नहीं करता, तो अभी काफ़ी एनर्जी डाउन हुई होती है, तो खजूरें हैं घर में, खजूरें दो डाल लूँगा तो तवानाई बहाल हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट मॉर्निंग है। चल गुरु हो जा शुरू। खूबसूरत फूल खिले हुए हैं हमारे घर की क्यारी में, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अमरूद उस दिन मैंने आप लोगों को दिखाए थे, लेकिन वो शाम का वक्त था, सही नज़र नहीं आ रहे थे। अभी आप देखें ये माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी जूते पॉलिश हो गए, बिल्कुल चमक रहे हैं, चमक चमक चम चमक चमक चम। सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। ट्रांसप्लांट करना है, ट्रांसप्लांट, लेकिन पैसा नहीं है, पैसा देखते हैं कुछ जुगाड़ करते हैं, जुगाड़। क्योंकि हमारा ताल्लुक है सोशल मीडिया से, तो बालों का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर इसी तरह छोड़ा तो कुछ अरसे बाद ये जो सामने है ना, ये एयरपोर्ट बन जाएगा, और बड़ा नहीं लेकिन छोटा फोकर फिर इस पे लैंड कर सकेगा। टाइटल से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज की जो एपिसोड है वो आईफोन से रिलेटेड है। आईफोन ख़रीदेंगे भी और उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है, वरना ये चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये हमें मिलेंगी या हम ख़रीद पाएंगे। तो ये उसी की मेहरबानी है, और आप लोगों की भी इसमें भरपूर शिरकत है। आप लोगों का भी मैं जितना शुक्रिया अदा करना चाहूँ कम है कि आप लोगों ने मेरे दोनों चैनल्स की, इस चैनल पे जब मैं BRT को कवर करता था तो मेरे लाखों व्यूज़ आते थे, फिर बीच में गैप आ गया, फिर मैंने इस चैनल पे काम करना छोड़ दिया। अभी दोबारा शुरू किया है रिसेंटली, 2-3 महीने हुए हैं, और अभी इस पे मैं व्लॉगिंग करता हूँ। लेकिन ये चैनल मेरा अच्छी अर्निंग मुझे दी है इस चैनल ने भी, और मेरा दूसरा चैनल भी मुझे अर्निंग दे रहा है, ट्रेवल्स ट्यूब। तो मैं अपने सारे देखने वालों को जो मुझे देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मुझे गिफ्ट्स भेजते हैं बाहर से, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ये इधर से अनबॉक्सिंग हो रही है। आईफोन 13 प्रो मैक्स 256 GB की अनबॉक्सिंग। यार हम लोग भी कहते हैं। और ये देखें अनबॉक्सिंग इसकी आईफोन से ही बन रही है। और इधर देखें कैनन कैमरा, माशाल्लाह। गजल और मेरा अपना कैमरा, ये बिस्मिल्लाह। तीन तीन कैमरों से इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। इंशाल्लाह एक्सचेंज करना वो पता भी नहीं चलेगा, कवर चेंज करके तो उधर का वो भी उसको भी नहीं सुन रहा टाइम है फिर उसके अगर आप इसमें डेटा वगैरह समझ के दफ्तर क्या हमको ना बस दा मतलब कमर तो फाइनली आईफोन हमने ख़रीद लिया है, और इंशाल्लाह 2-3 दिन लगेंगे इसको समझने में, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम लिया है, समझ जाएंगे। और फिर इसके बाद इंशाल्लाह जो भी हमारे व्लॉग्स आएंगे दोनों चैनल्स पर, और कहां से लिए ये भी तो बताएं ना, आईफोन से शूट होंगे,
तो इंशाल्लाह क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूव आएगा। ये है एप्पल प्रो शॉप है यहाँ पे पार्क व्हीकल मार्केट में सदर। और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहेंगे कि पहले ये चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते थे जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। हमने कब सोचा था कि हमारे हाथ में आईफोन होगी और वो भी एप्पल की प्रोडक्ट होगी और डायरेक्ट 13 प्रो मैक्स। जी बिल्कुल, और आप सब लोगों के तावन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच आया हूँ और ये आप देख रहे होंगे आईफोन 13 प्रो मैक्स 256 GB, तो ये मैंने परचेज़ कर ली है। और इसको परचेज़ करने के लिए मुझे कुछ बेचना पड़ा है, क्योंकि मैंने ये ली है अपने काम के लिए, अपनी व्लॉगिंग के लिए, दो चैनल्स के लिए। इस पर मैं दो चैनल्स पर काम करूँगा और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट चाहिए ही चाहिए, तो इसमें आपको स्टेबलाइजेशन भी मिलेगी। जब यानी आप मूव कर रहे होंगे तो उस वक़्त जो व्यू है वो बिल्कुल स्टेबल आपको मिलेगा। तो अक्सर जब मैं ट्रैकिंग कर रहा होता हूँ पहाड़ों पर ऊपर चढ़ रहा होता हूँ, तो उस वक्त जो मेरा कैमरा था तो उसका जो लेंस मैं यूज़ करता था उसमें स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से, और जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी नहीं था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो अब मैंने काफ़ी सोचो विचार के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये जो आईफोन 13 प्रो मैक्स है ये मेरे सारे मसाइल का हल है, और मुझे इस एक डिवाइस में जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी ये पूरी करेगा। तो इसको अब समझने के लिए भी मुझे एक दो दिन चाहिए। इसका कैमरा देखूंगा, कैमरे के जो मुख्तलिफ फीचर्स हैं वो उसको समझूंगा, और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी मैं इसको देखूंगा। तो एक दो दिन मुझे चाहिए होंगे, एक दो दिन में इंशाल्लाह इसको समझ के फिर मैं इसकी ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। आइए आपको दिखाता हूँ कि जो मुझे इसका पैक मिला है, क्योंकि इसको ओपन किया जाता है उधर और इसकी इसको एक्टिवेट किया जाता है तो फिर ही आप इसको ख़रीद पाते हैं, इसलिए इसको उधर अनबॉक्सिंग हमने आपके सामने ही की थी। आ जाएं, तो ये इसका पैक है आईफोन का, और इसमें आपको सिर्फ ये केबल मिलती है, बस केबल के अलावा कुछ भी नहीं है। और साथ ये जो अडाप्टर है ये भी आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो ये मुझे मिला है, बाहर का है, दुबई का, और ये मुझे 4,500 का, 4,500 रुपये का ये मुझे अडाप्टर मिला है। और साथ मैंने ये एक केबल ली है ताकि जो मेरा इसमें डाटा है वो मैं अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो उसके लिए ये इसकी अपनी केबल है जिसकी एक साइड तो टाइप सी है और दूसरी साइड इसकी USB है। तो बस इसके साथ यही कुछ मिलता है, और इसके ऊपर इस प्रोटेक्टर के अलावा एक तो ये ग्लास कवर है, और इसके ऊपर ये जो प्रोटेक्टर मैंने लगाया है इसको कहते हैं जेली प्रोटेक्टर। इसकी कमाल ये है कि ये बिल्कुल साइड से भी इसने इस मोबाइल को कवर कर दिया है, ये साइड से भी, यानी कोई इसमें गर्द जाने का बिल्कुल अंदेशा नहीं है, पीछे से भी और साइडों से भी, इसको जेली प्रोटेक्टर कहते हैं। और आप भी जब भी कभी आईफोन या इसी किस्म की कीमती मोबाइल ख़रीदें तो उसके ऊपर आप जेली प्रोटेक्टर लगाएं। और फ्रंट पे भी मैंने ग्लास प्रोटेक्टर लगवाया है और साथ ये ट्रांसपेरेंट कवर भी दिया है। और इसके जो कैमराज हैं इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये कैमराज कवर है जो कि इसके साथ कंपेटेबल है, तो ये भी लाजमी आप लगाएं ताकि आपका फुल मोबाइल आगे पीछे साइड्स और विद कैमरास सिक्योर रह सके, क्योंकि काफ़ी कीमती ये डिवाइस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये वीडियो आपको, आईफोन की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और दुआओं में याद रखिए अल्लाह का जितना मैं शुक्र अदा करूँ एक मरतबा फिर कम है कि अल्लाह ने हमें उन चीज़ों से नवाजा है जिनका हम सोच भी नहीं सकते थे। अपना और दूसरों का ख़ास ख्याल रखिए, बोलो अपना और दूसरों का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा।
अपना और दूसरों का खास ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये मेरा गुलू रोहन बेटे, मेरे को पाला बेटे। हाँ, ये इसकी बायलेट है, इसकी बायलेट।